नमस्कार स्टूडेंट्स, लीलाधर जगुड़े की जो कविता स्वतंत्र जुबान अधूरी रहती थी उसी की व्याख्या करते हैं। अब चारों ओर उड़ रहे थे संशय और अफवाहें, अचानक उसने मेरे चारों ओर देखा, सारे सवाल टुकड़ों में उड़ रहे हैं, असली सवाल का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। तब वह फिर उठा, मैं उसके चारों ओर फैला हुआ बेचैन हो उठा था। तो कवि कहता है कि जब उस व्यक्ति ने नगर के सभी लोगों को प्रश्नों के उत्तर बनाए और कान भर दिए, तो सभी जगह संदेह और अफवाहों का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसने कवि के चारों ओर आकर देखा और यह पाया कि सभी प्रश्न और समस्याएं टुकड़ों के रूप में हवा में उड़ रही हैं, परंतु जो मूल प्रश्न था उसका कहीं अता पता भी नहीं था, अर्थात लोगों ने मूल प्रश्नों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे और की ओर बात करने लगे थे जिसमें लोगों में संदेह उत्पन्न हो गया था और चारों ओर अफवाहें फैलने लगी। तत्पश्चात फिर व्यक्ति फिर से उठा और कवि भी उसके चारों ओर फैलकर व्याकुल होने लगा था। कहने का भाव है कि प्रश्नों का उत्तर देने वाला व्यक्ति भी परेशान था और कवि भी परेशान था, दोनों अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। तो यहाँ पर कवि ने प्रश्नों का उत्तर देने वाले और समस्याओं का उल्लेख करने वाले व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है। उठते ही उसने तय किया, ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी न जाए जो पहले ही कई मामलों में से दबी है, इसलिए हर एक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए जिससे वह एक स्वतंत्र बात कह सके, ताकि कल टहलने के लिए भी एक आड़ हो कि कोई बताए अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो। तो यहाँ पर लीलाधर जगुड़ी कहना चाहता है कि प्रातःकाल उठते ही उसने सबसे पहले यह निर्णय लिया था कि कहीं आने वाले कल में उसकी वाणी पकड़ न ली जाए, अर्थात कहीं उस पर आरोप न लग जाए। कारण यह था कि पहले ही उसकी जुबान कई कारणों से दबी हुई थी, शायद उसने भी कुछ गलतियां की हों इसलिए वह खुलकर नहीं बोल रहा था। इसलिए कवि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आज़ाद वाणी होनी चाहिए, आज़ाद आवाज़ होनी चाहिए, ताकि वह बिना किसी डर और भय के अपने विचारों को व्यक्त कर सके। परंतु विडंबना हमारे समाज की विडंबना है कि आज इस लोकतांत्रिक युग में भी लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए हैं। वह व्यक्ति चाहता है कि जब वह घूमने के लिए पार्क में जाए तो उसके पास कोई न कोई ओट हो, सहारा हो, ताकि कोई बताए तो सही कि उसने यह बात अपनी जुबान से कही है, अर्थात वह व्यक्ति अपनी बात से पलटने का अवसर देख रहा था, क्योंकि उसे डर था यदि कही हुई बात उसमें उसे जोड़ दी जाए तो उसके लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मगर तब तक एक काले कानों वाला सवाल उठा और सामने खड़ा हो गया कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए। यह तो हो सकता है कि अपनी ही जुबान स्वतंत्र कर ली जाए। वह भी उठा और सोच में पड़ा, सवाल उसको गहराई में ले गया जहां हजारों जीभें दबी पड़ी थी। तो कवि कहता है कि एक जटिल सवाल खड़ा हो गया था, यह अब उसके समक्ष एक समस्या बनकर उपस्थित हो गया था। आज के वातावरण में कहां से हजार वाणी लेकर आए, क्योंकि सत्ताधारियों ने लोगों की जुबानों पर ताले जड़ दिए हैं। वैसे यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वाणी को आज़ाद कर ले, किसी से डरे नहीं और खुलकर अपनी बात कहे। कभी भी उठ खड़ा हुआ और चिंता में पड़ गया, यह प्रश्न उसको बड़ी गहराई में ले गया, अर्थात उसने अपने अंतर्मन में खूब चिंतन और मनन किया कि जहाँ वह रहता है वहाँ पहले ही हजारों जुबानें दबी पड़ी हैं, कोई भी खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह अपने कैसे विचार व्यक्त कर सकता है, क्योंकि वह भी हार्ड मास का बना हुआ इंसान है। उस खजाने के आसपास पानी के तल पर उसने मेरे पैरों के निशान देखे और भाग पड़ा। जुबान की आज़ादी के लिए न मैं लड़ा न वो लड़ा, मगर उससे रहा नहीं गया। उसने अपने काम के लिए जानवर की जुबान चुनी और जानवरों में भी बैल की, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब थी।
तो जिस गहराई में लेखक गया था, जहां हजारों जुबानों पर ताला पड़ा हुआ था, उसके समीप ही पानी के तल पर उस व्यक्ति ने कवि के पैरों के निशान देख लिए और वह भागने लगा। उसे पता चल गया था कि कवि पहले से ही इस खजाने के पास आ चुका है, अतः वह भाग खड़ा हुआ और वाणी की स्वतंत्रता के लिए न तो उसने संघर्ष किया और न ही कवि ने, परंतु कवि का साथी मौन रहा। उसने अपना काम निकालने के लिए दबंगों से स्वयं को बचाने के लिए पशुओं की वाणी चुन ली। पशुओं में भी उसने बैल को चुना, क्योंकि उसने महसूस किया कि बैल ही उसके सर्वाधिक समीप है। कवि के कहने का भाव है कि उसका मित्र लगभग बैल जैसा ही है। उसने अपने मित्र को बैल की संख्या दी है। उसका साथी अपने द्वारा कही गई बातों से स्वयं को बचाने के लिए पशु बन गया, तो कवि ने इसीलिए उसको बैल की संख्या दी है, क्योंकि वह कईयों को चरना चाहता था, कई सवालों से बैलबानी करना चाहता था, कईयों के नीचे से छुड़ाकर जमीन, कईयों को गिराकर खंदकों में, कईयों को उठाना चाहता था सींगों पर, कईयों की अड्डी मारकर मारना चाहता था, वह कईयों के रास्ते गोबर करना चाहता था, ताकि उन्हें क्या उन्हें पता चले आत्मा के क्या हाल है। तो कवि का कथन है कि अपनी जुबान खोलने वाला व्यक्ति अब पशु बन चुका था। वह बैल बनकर शिवम को आरोपों से बचाना चाहता था, इसलिए वह बैल के समान अनेक लोगों को दूषित करना चाहता था, उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। अब वह प्रश्नों से बैल बनकर संघर्ष करना चाहता था। यही नहीं, वह बैल के समान अनेक लोगों को जमीन से उठाकर खाइयों में गिराना चाहता था, अनेकों को वह सिंगों पर उठाकर पलटना चाहता था और अड़ंगा डालकर उन्हें मारना चाहता था। यही नहीं, वह शिवम को बचाने के लिए लोगों के समक्ष गंदगी फैलाना चाहता था, ताकि उन्हें ज्ञात हो जाए कि उसकी आत्मा का क्या हाल हो चुका है। भाव यह है कि उसने गलती से अपनी जुबान खोल दी। वह इस बात से बचने के लिए हिंसक प्राणी बन चुका था। कवि ने मुंह खोलने वाले व्यक्ति के पशुत्व पर प्रकाश डाला है, जो शिवम को आरोपों से बचाने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना चाहता है। असल में वह जानवर की जुबान से इस सारी धुंध, इस सारे धुएं को चाटना चाहता था, जैसे ताजा ब्याए हुए पशु अपने बच्चों को चाटते हैं, उन्हें समर्थ बनाने के लिए। अभी वह कुछ नहीं बोला था, तभी मैंने महसूस की जानवर की जुबान, जो उसने स्वतंत्र बोलने के लिए लगा ली थी, सड़ने लग गई है और लोग कहने लगे, जिसके कान पहले ही बहुत रंगे हुए थे, यह अपनी जुबान से एक समकालीन दुर्गंध फैला रहा है। तो कवि का कथन है कि सच्चाई तो यह कि वह पशु इसलिए बना ताकि वह अपनी वाणी से फैली हुई अस्पष्टता, आलोचना और बदनामी के धुएं को समाप्त कर सके। जैसे तत्काल जन्म देने वाला पशु अपने बच्चों को चाटने लगता है, उसी प्रकार वह भी अपने द्वारा फैलाई गई अस्पष्टता को चाटने लगा, अर्थात दूर करने लगा। जिस प्रकार ताजा ब्याया हुआ पशु अपने बच्चे को शक्तिशाली बनाना चाहता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी सशक्त बनकर उसकी रक्षा करना चाहता था। इसके पश्चात वह कुछ नहीं बोला। तभी कवि ने अनुभव किया कि स्वतंत्र बोलने के लिए उसने अपनी जुबान इसलिए खोली ताकि सही बात कह सके, परंतु अब उसकी जुबान गलने लग गई थी। जिन लोगों के कानों में वह पहले स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह चुका था, वे लोग कहने लगे थे कि अब वह व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा तत्कालीन बदबू को फैलाने में लगा हुआ है। भाव यह है कि अपने द्वारा कही गई बातों से बचने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए अपनी वाणी से अंट-शंट बोले जा रहा था और सारे वातावरण को दूषित कर रहा था, खराब कर रहा था। यह कवि ने स्वतंत्र जुबान खोलने वाले व्यक्ति की मन स्थिति पर प्रकाश डाला है। सवालों की भीड़ में अब तक जो कहीं नहीं थे, कुछ नए सवाल उठे। इसकी जुबान ठीक करो, या तो यह अपनी जुबान अपने पास रखे। किसी ने कहा, इसकी कोई जुबान नहीं, जब इसे कहना कुछ और करना कुछ होता है तो यह इसी तरह अपनी जुबान बदल लेता है, मतलब कि इधर भी चरता है और उधर भी चरता है। कवि का कथन है कि उसके मित्र ने उस पर अनेक सवाल उठाए हैं, परंतु जो सवाल अभी तक नहीं उठे थे, अर्थात जिन प्रश्नों की चर्चा नहीं हुई थी, वे कुछ नए प्रश्न खड़े हुए थे। तब कवि ने महसूस किया कि मित्र की जुबान को ठीक करना जरूरी है, अन्यथा कुछ भी बखेड़ा
खड़ा किया जा सकता है। या तो उसे अपनी जुबान को चुप रखना चाहिए ताकि कोई झगड़ा न उठे। उसी समय एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसकी कोई जुबान ही नहीं है, वह कभी भी कुछ भी कह सकता है, जुबान पर इसका नियंत्रण नहीं है। जब भी वह कुछ कहना चाहता है या करना चाहता है, वह तत्काल अपनी वाणी को बदल लेता है। वह किसी भी कथन पर स्थिर नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए वह कुछ भी कह देता है। तात्पर्य यह है कि वह दोनों तरफ की बात करता है, अपनी जुबान पर कभी भी टिकता नहीं है, इसका कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कवि ने व्यंग्यात्मक शैली में अपने मित्र की वाणी की स्थिरता पर प्रकाश डाला है। अपनी सड़ी हुई स्वतंत्र जुबान को लेकर फिर वह उठ नहीं सका और असली जुबान से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए कि खामो खाम क्यों फंसा जाए। वह मेरे पास आया, मैंने उसे नहीं कहा कि तुम्हारी नकली जुबान सड़ रही है, मैंने कुछ और ही कहा। मित्र, इन दिनों सब ने अपनी असली जीभ का इस्तेमाल बंद कर दिया है, अब कोई भी कुछ कहकर फंसना नहीं चाहता। तो अपनी दूषित और दुर्गंध छोड़ती हुई स्वतंत्र जुबान को लेकर वह पुनः नहीं उठ पाता। अब वह सोचकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात नहीं कह सकता था, क्योंकि वह बेमतलब किसी झंझट में फंसना नहीं चाहता था। पहले ही वह बहुत कुछ उगल चुका था, जिसके कारण उसकी बड़ी आलोचना हो चुकी थी। आखिर वह व्यक्ति कवि के पास आया, परंतु कवि ने उसे कुछ नहीं कहा। कवि ने उसे यह भी नहीं कहा कि उसकी दूषित जुबान अब गल सड़ गई है, क्योंकि वह अपने मुख से उल्टी सीधी बातें करने लगा है। इसके स्थान पर कवि ने कोई और बात ही नहीं कही। कवि ने अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक ऐसा जमाना आ गया है कि लोगों ने असली बात कहना बंद कर दिया है, सभी लोग डरे हुए हैं, स्वतंत्र वाणी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई भी सच्ची बात कहकर किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तो यहाँ पर कवि ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सच्ची बात कहने से डरता है, इस पर प्रकाश डाला है। क्योंकि अब तुम्हारे बारे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं रह गया कि आदमी कौन है, बल्कि सवाल यह है कि इसकी असली जुबान कहाँ है। इसलिए सन 1974 में, पिछली बार सन 47 में, केवल 4 थे बाईं ओर, 7 दाईं ओर थे। अब की बार 7 है बाईं ओर, दाईं ओर केवल 4 है। तो हे मित्र, तुमने अपनी स्वतंत्र जुबान, कवि कहता है कि हे मित्र, तुमने अपनी स्वतंत्र जुबान खोलकर एक गहरा अनुभव प्राप्त किया। तुम्हारे लिए केवल अब प्रश्न यह नहीं कि आदमी कौन है जिससे तुम्हें सच्ची बात करने में डर लगता है, परंतु आज के युग में सच्ची जुबान किसके पास है। अर्थात आज के युग में किसी के पास भी सच्ची जुबान नहीं है, सभी दोगली जुबान लिए हुए हैं, सभी सत्य कहने से डरते हैं। कवि इसका कारण बताते हुए कहता है कि आज सन 1974 का वर्ष है, पिछली बार जब हम आज़ाद हुए थे 1947 था, उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है, तब 4 उधर था, अब 4 इधर है। बाईं तरफ चार, जब चार आदमी बाईं तरफ थे और अब 7 आदमी बाईं तरफ थे, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। 7 आदमी बाईं ओर हैं और 4 आदमी दाईं ओर हैं। यहाँ कवि व्यंजनात्मक शब्दावली के माध्यम से कहना चाहता है कि पहले एक दल का बहुमत देश का शासन चला रहा था, आज दूसरा दल शासन चला रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे यहाँ किसी और की सरकार थी और किसी का शासन था, लेकिन आज किसी और का है और स्थिति जैसी को तैसे है। कोई भी सत्ता प्राप्त दल सच्ची बात सुनना नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्र जुबान को दबा देता है, इसीलिए मौन रहने में ही भलाई है। इस समय इस बात का बहुत बड़ा मतलब है कि आपके क्या विचार हैं। जो देखना यह है कि जो दबी हुई है वही कहीं वह हमारी ही जुबान तो नहीं, और इस तरह हम दोनों के पास एक होने के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं था। तो कवि अपने मित्र से कहता है कि वर्तमान काल में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपके पास किस प्रकार के विचार हैं और आप अपने मन में क्या सोचते हैं। परंतु हमें इस बात पर भी सोचना होगा, विचार करना होगा कि जो आवाज़ या वाणी दब चुकी है, जिस पर नियंत्रण लगा हुआ है, कहीं वह हमारी वाणी तो नहीं। भाव यह कि इस समय न तो तुम खुलकर बोल सकते और न मैं ही खुलकर बोल सकता।
न सामने वाला और न ही मैं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था हमारे प्रतिकूल है। इस समय हम दोनों को एक होकर रहना होगा, इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। भाव यह है कि तुम्हारी जुबान में भी दबी हुई होनी है, जो भी कुछ बातें हैं वो दबी हुई हैं और मेरी जुबान भी दबी हुई है। स्वतंत्र जुबान बोलने से हम दोनों किसी न किसी समस्या में फंस जाएंगे, जिससे हमें बचना होगा। तो यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान व्यवस्था में आम आदमी सत्य कहने से कतराता है, वह इस बात से डरता है कि सत्य बोलकर वह कहीं किसी जाल में न फंस जाए। लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक शब्दावली का सफल प्रयोग हुआ है, अनुप्रास तथा प्रश्नालंकार का भी सफल प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, सहज सरल व साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, शब्द चयन सार्थक व सटीक है, संबोधन शैली का कवि ने प्रयोग किया है और मुक्त छंद का भी इस कविता में सफल प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।